हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, पढ़ाई हम लोग की ठप थी, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो चलिए, इस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हम अब सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन से जो छात्र छात्राएं नाइन्थ क्लासेस की पढ़ाई कर रहे, जो भी फिलहाल नवी की कक्षा में गए हैं सीबीएसई से, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है साइंस स्किल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि अभी तक के जो मेरे यहां क्लासेस चल रही थी वो यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड की जा रही थी और देन मेरे स्टूडेंट्स उसको देखते थे। लेकिन प्यारे छात्र छात्राओं, सहपाठियों, उससे बेहतर तब हो सकता है जब हम क्यों ना यूट्यूब पे लाइव वीडियोज लेकर आए, क्योंकि लाइव वीडियोज का एक अलग अंदाज है। उस पे बहुत सारे लोगों की अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग टू द पॉइंट एट ए टाइम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, प्रॉब्लम को दूर करेंगे। लेकिन यूट्यूब पे जो अपलोडिंग की प्रोसेस है उसमें हमारे बच्चे सवाल पूछ नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर लाइव वीडियोज हम लोग आएंगे लेकर तो उसपे एट ए टाइम प्यारे छात्र छात्राओं की जो प्रॉब्लम है वो हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ अपने दोस्त साथी संबंधी रिलेशनशिप को भी आप ये मोटिवेट करें कि इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग की पढ़ाई बाधित नहीं हो। हम लोग की जो पढ़ाई है यूट्यूब पे लाइव वीडियोज लेकर आएंगे, लाइव क्लासेस हम लोग की चल सके। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बस आपको एक हेल्प के तौर पे हमें हेल्प करने की जरूरत है, ताकि हम लोग की पढ़ाई बिल्कुल सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से चल सके। तो चलिए, अब हम लोग कुछ बात करते हैं। अब वो बात क्या है, जरा इसको ढंग से सुनिएगा। सबसे पहले बात कि जो छात्र छात्राएं सीबीएसई से क्लास कर रहे होंगे या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, यू बोले तो सीधा सीधी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो वैसे सारे स्टूडेंट्स जो सीबीएसई से पढ़ रहे होंगे इंग्लिश मीडियम में, कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई सा भी स्कूल में, अगर वो नाइन्थ क्लास में इस बार गए हैं जस्ट, और लॉकडाउन की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, तो हमसे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियोज के कमेंट में आप अपने नंबर के साथ साथ अपना नेम एड्रेस हमें कमेंट करेंगे। ऐसा करने से हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नाइन्थ क्लास की जो सीबीएसई के स्टूडेंट है का एक ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर देंगे। अब ग्रुप में ऐड करने का एक अलग फायदा प्यारे छात्र छात्राओं, उसका फायदा यह है कि जो मेरा वीडियोज अपलोड होंगी आप उसको देखेंगे, कुछ वर्क्स यहां से हम देंगे बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आपका जो ग्रुप है ना उसी में ग्रुप में भेजना है, और वहां से हम अगर सही रहेगा तो करेक्ट, गलत रहेगा तो रॉन्ग, उसको सही सॉल्यूशन भेजने का प्रयास करेंगे और भेजेंगे ही। तो ग्रुप का एक अलग इंपोर्टेंस है। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो तीन चीज, आप इस वीडियोज के कॉमेंट में जाए और कॉमेंट सेक्शन में अपना नेम, मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है, और तीसरा नंबर अपना एड्रेस मुझे सेंड करें, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और ग्रुप में जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करेंगे, डेली बेसिस पे पढ़ाई करना है, ये हम लोग का तरीका है पढ़ने का। और दूसरी बात कि लॉकडाउन की वजह से हम आपके आई टू आई कॉन्टेक्ट तो नहीं आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको ईमानदारी से ढंग से पढ़ाई करना है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है कि शायद गॉड ने हमें ये परीक्षा लेने के लिए एक ऐसे समय को दिया है, ताकि देखता हूं कि बच्चे कितना इस टाइम को यूज कर पाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि आप सभी से मैंने बात भी किया है, तो आपको किसी ना किसी तरीके से पढ़ने के नाम पे तो घर वाले फोन दे ही देंगे, अगर आपको आप उसे मिसयूज कर रहे हैं तो इसका हकदार खुद आप होंगे, और भी गलत तरीके से, क्योंकि एक साल के बाद आने वाली आपकी बोर्ड की एग्जाम होगी, तो नाइन्थ की बेस अगर ठीक रहेगी प्यारे छात्र तो आप
टेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वहां पे जरूर सफल होंगे। तो हम लोग नाइन्थ क्लासेस की बिल्कुल क्लास जो शुरू हो रही है बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो अगर आपके साथी होंगे वो मेरे से जुड़ना चाहते होंगे तो आप बिल्कुल उनको बता दीजिए कि ये क्लासेस शुरू हो गई है। डेली रेगुलर दो सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, मैथ्स की और साइंस की। नाइन्थ क्लासेस की मैथ की क्लास और नाइन्थ क्लास की ही साइंस की क्लास रेगुलर क्लास होंगी। याद रहे प्यारे छात्रों, ये जो अपलोडिंग अभी, क्योंकि अभी मेरे पास प्रॉब्लम है कि लाइव वीडियो नहीं चला सकते हैं क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए और आप मुझे जल्दी से हेल्प कीजिए, तो इसके लिए हम अपलोड करेंगे और अपलोडिंग का जो टाइम है 9 से 10, 10:30 के करीब, आपको उसके बीच में डेली, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, किसी दिन छुट्टी नहीं प्यारे छात्र छात्राओं, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में जितना हम लोगों की नुकसान हो ये भरपाई करना मुश्किल है, इसलिए संडे की भी छुट्टी नहीं रहेगी, हर दिन हर क्लास की हर वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी जो आपका क्लास चलेगा नाइन्थ से जो सीबीएसई होंगे इंग्लिश मीडियम में होंगे उनका मैथ्स की क्लास और साइंस की क्लास, ये रेगुलर लगभग एक वीडियो का जो टाइमिंग रहेगा वो 30 से 35 मिनट के करीब, इतना के बीच एक वीडियो रहेगा, यानी कि टोटल 1 से 1.5 घंटे के बीच, 1 से 1.5 घंटे के बीच आपको दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस हो जाएंगी। और टाइमिंग जो रहेगी यहां पे अपलोड करने की वो रहेंगी कब से कब तक, 9 से स्टार्ट होंगी और 10, 10:30 बजे तक YouTube पे अपलोड हो जाएंगी और एक ग्रुप है उसमें भी हम सेंड कर देंगे। आपको ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ना है तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपके हर कदम पे आपको हेल्पफुल करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए उसके बाद बाकी एक नोटिस है कि अगर हम जो जो लोग को ग्रुप में ऐड करेंगे, अगर जो लोग फालतू का पोस्ट करेंगे उस ग्रुप में तो उनको डायरेक्टली बिना हिचकिचाहट के बिना कोई क्वेश्चंस किए हुए उनको हम बाहर कर सकते हैं, इसलिए एजुकेशन से रिलेटेड ही पोस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा वही चीज को पोस्ट करें जो हम बनाने के लिए दें, और बाकी का आलतू फालतू का मैसेज उसमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, उसमें कोई फालतू की मैसेज नहीं करेंगे। तो एक नोटिस था जिसको आपको फॉलो करना होगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं साइंस, तो साइंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब चीज पढ़ेंगे कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, और साइंस कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस, सभी चीजें इंग्लिश में, क्योंकि सीबीएसई से हैं आप लोग तो आपको स्टार्टिंग से ही इंग्लिश दिया जाता है और आपको जरूरी भी है, तो कोई हिंदी नहीं, हिंदी बस सिर्फ समझाने के लिए बोल सकते हैं, आप समझने के लिए सुन सकते हैं, लेकिन जो लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। चलिए तो हम लोग नाइन्थ क्लासेस की सीबीएसई, नाइन्थ सीबीएसई साइंस सब्जेक्ट साइंस, याद रहे दोस्तों साइंस क्लासेस के लिए हम जो बुक फॉलो करेंगे वो एनसीईआरटी, इसलिए आप जरूर से जरूर एनसीईआरटी बुक्स को जुगाड़ कर लीजिए, आपके घर में कोई पढ़ा हो, आजू बाजू के लोग हो, तो एनसीईआरटी की बुक्स परफेक्ट होनी चाहिए क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बुक से ही फॉलो करेंगे। प्यारे छात्रों, जब हम लोग साइंस पढ़ना स्टार्ट किए हुए हैं तो डायरेक्ट हम बुक पे नहीं आएंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, उसको साइंस के कितने टाइप्स में कैटेगरीज में बांटा गया है, अब उसका मीनिंग क्या क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चंस, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, उसके नीचे आंसर हम बोलेंगे, आपको लिखना है, जब कभी भी इंग्लिश में बोलने वाला होगा हम यहां से बोलेंगे, आपको उसके नीचे लिखना है उसका आंसर हो या फिर कोई और चीज है, इंग्लिश में बोलेंगे आपको लिखना है। अगर किसी किसी स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा तेजी लगे तो आप वीडियोज को पॉज कर दें, रोक दें और फिर जितना हम बोले हैं उसको सुनने के बाद उतना कॉपी में नोट्स कर लें, क्योंकि ये क्लासेस बिल्कुल शुरू से दी जा रही है तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि आपकी स्कूल की एग्जाम्स होगी या फिर कोई क्वेश्चन रहेगा टेस्ट में आएंगी तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए व्हाट इज साइंस का आंसर लिखेंगे, द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज का स्पेलिंग कैसे होता है, KNOWLEDGE, द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्क
कॉमा नेचुरल लॉ LAW एंड केमिकल रिएक्शन जी हाँ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड साइंस। चलिए तो साइंस क्या है, तो साइंस के बारे में हम लोग लिखें कि द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्क। अब फिजिकल वर्क क्या है भाई, तो फिजिकल वर्क का मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं प्यारे छात्रों, जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो जब बोल रहे हैं ना, ये भी एक साइंस का ही लॉजिक है। जब हम किसी वर्क को काम कर रहे हैं, मान लिया कि एक बड़ा सा कोई टुकड़ा है, पेड़ का टुकड़ा है, चाहे कुछ का भी एक लठ है, हम उसको जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको पुश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम उसको बल लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी वर्क हो, चाहे आप बोलने का वर्क हो, चाहे आप प्लेइंग कर रहे हो, चाहे आप रीडिंग वाला वर्क कर रहे हो, कोई भी वर्क रहेगा ना, उसको साइंस में लिया गया है। दूसरा नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ का मतलब क्या, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, गॉड गिफ्टेड कुछ लॉ है। जैसे इस मार्कर को अगर छोड़ेंगे प्यारे छात्रों तो नीचे ही गिरेगा, एक नेचुरल लॉ है, एक प्राकृतिक घटना है, जिसको बाद में वैज्ञानिकों ने इसको खोज किया और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया। समझ रहे हैं आप, यानी कि नेचुरल लॉ का मतलब यह हुआ कि कोई भी गॉड गिफ्टेड लॉ जो ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है, हम चाह के भी इसको चाहेंगे कि हम छोड़ें और इसको ये ऊपर की ओर चलना शुरू कर दे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है, तो ये हम इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे ही गिरेगा, ये डेफिनेट है, तो हम इसको बोलेंगे नेचुरल लॉ। और दूसरी केमिकल रिएक्शन का मतलब कोई भी चीज आप खाते हो और आप जल्दी स्वस्थ हो जाते हो, जैसे मान लिया आपको बुखार लगा, आप टैबलेट खाएं और फटाफट आपको फीवर खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि वो जो टैबलेट गया केमिकल से बना हुआ रहता है, एक बहुत सारे केमिकल से मिलकर बना रहता है वो टैबलेट, वो जैसे ही गया अंदर पाचन की क्रिया हुई और जैसे ही हमारे अंदर पेट में पच गया और रिएक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि केमिकल रिएक्शन, ये भी किसका लॉजिक है, साइंस का लॉजिक है। तो प्यारे छात्रों, जहां भी फिजिकल वर्क होगा, जहां पे भी नेचुरल लॉ को अलाउ होगी, जहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, वो सभी स्टडी, उसका स्टडी हम लोग किस में करते हैं, साइंस में करते हैं, उसके बारे में हम लोग नॉलेज लेते हैं, साइंस कहलाता है, राइट। चलिए अब हम लोग साइंस के बारे में पढ़ते पढ़ते तब ये ख्याल आया कि सर साइंस का कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के कितने टाइप्स हैं, 3, पहली का नाम है फिजिक्स, दूसरी का नाम है केमिस्ट्री और तीसरी का नाम है प्यारे छात्रों बायोलॉजी। तो अब हम लोग लिखेंगे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस। उसके नीचे आंसर लिखेंगे, आंसर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइंस। नंबर वन फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायोलॉजी। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस, फर्स्ट का नाम है फिजिक्स, सेकेंड का नाम है केमिस्ट्री और थर्ड का नाम है प्यारे छात्रों बायोलॉजी। तो साइंस का यही 3 टाइप्स है, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। अब चलिए अब हम लोग अलग अलग चीज पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी, व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी कि सबके बारे में स्पेशल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन लिखा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, आप फिजिक्स से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स या फिर
व्हाट इज फिजिक्स क्वेश्चन है नेक्स्ट. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, इसका आंसर लिखेंगे. इसका आंसर लिखेंगे द साइंटिफिक स्टडी. द साइंटिफिक, साइंटिफिक का स्पेलिंग साइंटिफिक. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेज, ऑफ नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस एफ ओ आर सी एस फोर्सेस, सच एज, सच एज नेचुरल फोर्सेस, सच एज, सच एज का मतलब होता है जैसे, सच एज लाइट साउंड, लाइट कॉमा साउंड कॉमा हीट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी, ईटीसी आर कॉल्ड, आर कॉल्ड फिजिक्स, आर कॉल्ड फिजिक्स, आर कॉल्ड फिजिक्स. देखिए अब फिजिक्स किसको कहते हैं, तो ऐसा साइंटिफिक फोर्स, ऐसे विज्ञान का पार्ट्स, विज्ञान का ऐसा भाग जिसमें हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में, कि अलग अलग तरह का लाइट है, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सभी लाइट्स के बारे में. दूसरा हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो साउंड के बारे में, हीट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक के बारे में पढ़ते हैं. तो ये सब यानी कि साइंस का वैसा भाग, साइंटिफिक फोर्स जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लाइट साउंड हीट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे छात्रों, उसको हम लोग बोल देते हैं फिजिक्स. पक्का, यानी कि फिजिक्स किसको बोलते हैं, तो विज्ञान के ऐसे भाग, विज्ञान के ऐसे पार्ट जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाता है फिजिक्स. अब फिजिक्स के बारे में पढ़ने से एक और क्वेश्चन ख्याल आता है कि फिजिक्स का जो खोज है वो किसने किया, हु इज द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स, या हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स. ठीक है, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के फादर कौन कहलाते हैं. तो अगला क्वेश्चन लिखा जाए, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, आंसर लिखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन टी आई एन, अल्बर्ट आइंस्टीन इज द फादर ऑफ फिजिक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन इज द फादर ऑफ फिजिक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन. देखिए नाम क्या है इनका, अल्बर्ट आइंस्टीन, यही फिजिक्स के पिता कहलाते हैं. यानी कि फिजिक्स के पिता किन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन. इन्हीं का देन है कि फिजिक्स का खोज हुआ, फिजिक्स के बारे में इन्वेंशन हुई, फिजिक्स के बारे में आविष्कार हुआ. ठीक है, तो हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, राइट आंसर इज अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन इज द फादर ऑफ फिजिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, उसके नीचे एरो देंगे, उसका आंसर लिखेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टांस, द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टांस इज कॉल्ड केमिस्ट्री, इज कॉल्ड केमिस्ट्री, इज कॉल्ड केमिस्ट्री. ठीक है, चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं. व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है. द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टांस यानी कि ऐसे विज्ञान के ऐसे भाग जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं,
स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टांस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कोई भी सबस्टांस रहेगा ना उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका शेप कैसा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री में हम लोग उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टांस बताता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक स्टडी को हम लोग जिसमें सबस्टांस के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सबस्टांस का स्ट्रक्चर का मतलब यह हुआ कि कोई भी आप सॉल्यूशन पढ़ते हैं का मतलब यह हुआ कि आप किसी भी मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं, वाटर के बारे में, ग्लूकोज के बारे में, शुगर के बारे में, ये सब के बारे में आप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाता है केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टांस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब जरा आते हैं कि केमिस्ट्री के फादर किन्हें कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो आंसर लिखेंगे इसका लेवोजियर, इसका नाम है लेवोजियर, स्पेलिंग लिखा देते हैं LAVOISER, इसका नाम है लेवोजियर, लेवोजियर, लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री के फादर किन्हें कहा जाता है, लेवोजियर को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई पूछेगा कि केमिस्ट्री के फादर, केमिस्ट्री के पिता किन्हें कहा जाता है, तो उनका नाम है लेवोजियर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन लिखा जाए व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी किसे कहते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, आंसर लिखेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव प्राणी, जीव जंतु, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी। छात्रों साइंटिफिक स्टडी किसके बारे में हम लोग करेंगे, यानी कि विज्ञान के ऐसे भाग, द पार्ट ऑफ साइंस विच डील्स विथ, हम लोग इसमें किसको डील्स करते हैं, किसको खत्म करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ के खत्म करते हैं। लिविंग का मतलब सजीव प्राणी, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी बोलते हैं उसको। यानी कि जीव विज्ञान क्या है, तो द स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जीव जंतुओं का, जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं। अब चलिए जानते हैं हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता कौन है, तो ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन लिखा जाए हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, आंसर लिखेंगे अरिस्टोटल, उनका नाम है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, इसको हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं, अरस्तु, अरस्तु, इसको अंग्रेजी में अरिस्टोटल लिखा जाता है और हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। तो अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये हम लोग का कुछ बेसिक का नॉलेज था, क्योंकि साइंस को हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग शुरू से सीख रहे हैं कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, साइंस के कितने टाइप्स हैं, कौन किसको, किसे पिता, किसे कहा जाता है, फिजिक्स का पिता, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम आज इस क्लास में डील्स किए हैं। अब अगले क्लासेस से हम एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करेंगे, और जरा एनसीईआरटी बुक्स में जो हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे प्यारे छात्रों, कि एनसीईआरटी के नवी क्लासेस की जो सीबीएसई की बुक है उसमें, इंग्लिश मीडियम वाले में, कि कौन सा चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले दिन फिर से साइंस की क्लास में, आज को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।